हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोली होली वर्ल्ड पर। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार सिंगर की कंटेस्टेंट निष्ठा शर्मा के बारे में। कैसी रही इनकी लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, इनकी एज, फैमिली और बाकी सारी डिटेल हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना। इनका रियल नेम है दोस्तों निष्ठा शर्मा और प्रोफेशन से ये एक सिंगर हैं। इनका जन्म हुआ था साल 2006 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करें इनकी एज के बारे में तो साल 2020 के हिसाब से दोस्तों ये 14 इयर्स की हो चुकी हैं। नेशनलिटी से दोस्तों ये एक इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू हैं। अगर बात करें इनके एजुकेशन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों ये अपनी स्कूलिंग कर रही हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। चलिए दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं निष्ठा शर्मा की फैमिली से। इनकी फैमिली के कुछ फ़ोटोज़ दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनमें इनके पेरेंट्स और इनका ब्रदर शामिल है। निष्ठा शर्मा दोस्तों एक बेहद टैलेंटेड सिंगर है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके फादर और मदर दोनों को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था, लेकिन इनके ग्रैंडफादर और फैमिली सिंगिंग के अगेंस्ट थी, इसलिए ये आगे सिंगिंग नहीं कर पाए। लेकिन निष्ठा शर्मा का दोस्तों इनकी पूरी फैमिली ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत निष्ठा शर्मा आज जाने माने सिंगर्स की लिस्ट में शामिल है। निष्ठा शर्मा के बड़े भाई भी म्यूजिशियन हैं और निष्ठा ने अपनी शुरुआती सिंगिंग अपने भाई और अपने माता पिता से ही सीखी है। दोस्तों निष्ठा शर्मा सबसे पहले लाइमलाइट में आई थी साल 2016 में। इन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस इंडिया किड्स में पार्टिसिपेट किया था। जब इन्होंने इस शो के लिए ऑडिशन दिया तो तीनों जजेस ने इनके लिए बजर बजाया था, लेकिन फिर निष्ठा शर्मा ने नीति मोहन की टीम में जाना पसंद किया और फिर उसके बाद दोस्तों निष्ठा शर्मा द वॉइस इंडिया किड्स के विनर भी रही। फिर उसके बाद दोस्तों साल 2019 में निष्ठा शर्मा ने पार्टिसिपेट किया सुपरस्टार सिंगर में और फिर ऑडिशन के बाद दोस्तों निष्ठा शर्मा को इस शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और इनको बाद में कैप्टन मिले सचिन वाल्मीकि, जिनके सिखाने से दोस्तों निष्ठा शर्मा काफ़ी आगे तक इस शो में गई। अगर दोस्तों बात करें इन सब के अलावा इनके सिंगिंग करियर के बारे में तो NTV सीरियल श्री कृष्णा के लिए दोस्तों निष्ठा शर्मा टाइटल सॉन्ग गा चुकी है। और इसके साथ साथ दोस्तों निष्ठा शर्मा को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से अवार्ड भी मिल चुका है। वाकई में दोस्तों निष्ठा शर्मा की आवाज़ एकदम सुरीली है और इनको नाइट एंगल कहना भी दोस्तों कोई गलत बात नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी निष्ठा शर्मा के बारे में एक छोटी सी लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी निष्ठा शर्मा और इनकी आवाज़ के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।